जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक क्लास फाइव मैथ से हेड टेस्ट पर वन। तो यानी कि हाफ ईयरली की क्वेश्चन मान सकते हैं। तो पहले छः चैप्टर्स के बाद ये टेस्ट पेपर वन आ रही है। तो ऑलरेडी हमने पहले छः चैप्टर्स और यूनिट टेस्ट वन यूनिट टेस्ट टू सॉल्व करके अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, तो टेस्ट पेपर वन के वन की ये नंबर देखिए, आईडी नंबर 1864706 इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स एंड गिव देयर नंबर नेम्स इन बोथ सिस्टम। तो ये जो नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर है, इसको दोनों ही सिस्टम यानी कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना यानी कि कमा पुट करना और बाद में इनके नंबर नेम्स भी लिखना। तो मैंने आंसर करके रखा, बहुत ईजी है, 1864706 तो इंडियन सिस्टम, पहला आपके इंडियन सिस्टम है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होती है, एक्सट्रीम राइट साइड से पहले तीन डिजिट जोड़ के एक कॉमा पुट होगी, इसके बाद दो दो डिजिट जोड़ के एक एक कॉमा पुट होगी। तो देखिए, यूनिट 10 करोड़, तो 18,64,70,635, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, तीन तीन डिजिट जोड़ के एक एक कॉमा पुट होगी। तो देखिए, तीन तीन डिजिट जोड़ के कॉमा पुट हुआ, ये तो वंस की प्लेस है, वंस में तीन डिजिट है, यूनिट 1000। फिर यहाँ यूनिट 1000, इसको थाउजेंड्स की प्लेस कहते हैं, इसको मिलियंस की प्लेस कहते हैं, यहाँ भी तीन डिजिट हैं, वंस टेंस हंड्रेड यूनिट टेंस हंड्रेड, ठीक है। तो 186,470,635 तो यहाँ लैंग्वेज में है, ठीक है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। अब नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखिए वन का, और राइट दी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वन नंबर 12,04,032,456, 34,00,34,567,00। तो इन दोनों नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये तो हमने सीख लिया ना एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। बी नंबर देखिए, पहला वन है डिजिट, तो वन के बाद जितने सारे डिजिट आ रही है सबकी जगह जीरो लिखना। तो यहाँ 10 करोड़ आ रही है, इसके बाद टू है डिजिट, तो टू के बाद एक दो तीन चार पाँच छः डिजिट है, तो छः जीरो है, यहाँ सात जीरो है, वैसे ही इसके बाद तो जीरो है, तो यहाँ सिर्फ एक जीरो लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट जीरो को स्किप करके फोर लिखना, और फोर के बाद एक दो तीन चार पाँच डिजिट है, तो पाँच जीरो है, तो ऐसे लिखना। और प्रॉपरली कमा लगाना इंडियन सिस्टम में, अगर चाहे तो इंटरनेशनल सिस्टम में कमा लगा सकते हैं, तो बेटर होगा, ये इंडियन सिस्टम में नंबर है, तो इंडियन सिस्टम में यहाँ प्लेस वैल्यू में कमा लगाना, ठीक है। तो 4,30,2,450+6 है। नेक्स्ट टू नंबर देखिए, ये 34,567,900, वैसे ही देखिए सब डिजिट्स लिखना, और बाद में जितने सारे डिजिट्स आ रही है ना उतने ही जीरो लिख देना, ठीक है। अच्छा, लास्ट में देखिए 900 है, 900 के बाद तो देखिए वंस और टेंस प्लेस में नॉन जीरो किसी डिजिट नहीं है, तो सिर्फ प्लस 900 लिखने से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टू नंबर देखिए, टू के द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 46,57,052, राउंड पॉपुलेशन टू द नियरेस्ट वन नंबर 10,000 टू नंबर लाख। तो ये जो पॉपुलेशन की काउंट है किसी एक टाउन की, इसको नियरेस्ट 10,000 में और 1,00,000 में रिप्रेजेंट करना। तो टू का देखिए ए नंबर 46,57,052 टू द नियरेस्ट 10,000 इज, तो इसको नियरेस्ट 10,000 में लिखा जाए तो क्या होगा, देखिए 10,000 की प्लेस देखिए यूनिट 10,000 की प्लेस में 5 है। अच्छा, इस पर राउंड ऑफ करना, ये जो 5 है इस पर, तो नेक्स्ट इज 7 है, वो 4 से बड़ा है, तो 5 के साथ 1 ऐड करना और बाकी सब जीरो लिख देना, ठीक है। 7,052 इन सब डिजिट्स की जगह जीरो लिखना, 46,00,000 यहाँ 5 पे राउंड ऑफ करना ना, तो 5 के साथ 100 की जाए तो 6 होगा और बाकी सब जीरो है, ठीक है, तो 46,60,000 है। अब देखिए नेक्स्ट नियरेस्ट 1,00,000 है, तो 1,00,000 की प्लेस देखना, यूनिट 1,00,000 तो 1,00,000 की प्लेस में 6 है, तो इसके बाद की मतलब ये 6 पर राउंड ऑफ करना, तो नेक्स्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 4 से बड़ा है, तो 6 के साथ 1 ऐड करना और बाकी सब के जगह 0 पुट करना, तो 4,7 होगा और 5 से लेकर 2 तक सब की जगह 0 लिखना, तो 47,00,000 है।
अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए, राइट MMCCXLIX इन द हिंदू अरबिक सिस्टम, तो इसको ही हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखना, ये रोमन न्यूमेरस में है। तो टू की बी देखिए, एम के वैल्यू 1000 है, अच्छा यहाँ अलग अलग वैल्यूज ऐड करना, दो एम है तो 1000 प्लस 1000 प्लस सी की वैल्यू 100 है तो 100, यहाँ दो सी है तो 100 प्लस 100, अच्छा एक्स एल देखिए, एक्स छोटा डिजिट है एल से, तो किसी छोटा डिजिट अगर बड़ा डिजिट की लेफ्ट में आ जाए ना तो माइनस होती है, बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को माइनस होता है, तो एल की वैल्यू 50 है, एक्स की 10 है, तो 50 से 10 माइनस हो क्योंकि 10 लेफ्ट साइड में है, मतलब एक्स लेफ्ट साइड में है, तो प्लस 50 माइनस 10 प्लस, फिर से देखिए आई एक्स है तो आई एक्स मतलब 9 है, यानी कि 10 माइनस 1 है, तो सबको ऐड करना 2249 होगा। तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम में भी ऐसे सॉल्व किए थे हमने ना, लगता है फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट थ्री नंबर देखिए, एड 72,35,342, 2,31,40,899 एंड 2,50,653। ए नंबर में ऐड करना और बी नंबर में सब्ट्रैक्ट करना, तो इससे सब्ट्रैक्ट करना इसको, फ्रॉम के बाद ये नंबर है तो इससे फ्रॉम के पहले की नंबर सब्ट्रैक्ट करना, तो थ्री के ए देखिए सबको ऐड करना, तो ऐड करने से 3,26,26,894 आ रहे, ऐसे बाटी के लिए ऐड करना, यहाँ देखिए 2,31,00,000, ये 1 है ये 40 है, 31,40,899, ठीक है ओवर राइटिंग हो गया था क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसलिए ओवर राइटिंग करना पड़ा। बी नंबर देखिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो देखिए 0 से तो 7 माइनस नहीं हो सकते ना, तो इस 8 से 1 बरो करना, तो यहाँ पे 1 बरो की जगह 10 हो गई, तो इस 10 से यहाँ पे 1 बरो करना, तो यहाँ 10 है, 10 माइनस 7 3 है, यहाँ 9 बचाना, 9 माइनस 4 5 है, अच्छा यहाँ आप 7 बजा, तो इस 5 से 1 बरो करना 17 हुआ, 17 माइनस 8 9 है, यहाँ 4 बजा, 4 माइनस 3 1 है, अच्छा 8 माइनस 6 2 है, 4 माइनस 2 2 है, 4 माइनस 4 0 है, 1 का 1 है, तो 1,22,21,953 है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट फोर नंबर देखिए, मल्टीप्लाई 2,986/704, तो इसको 704 से मल्टीप्लाई करना, बी नंबर डिवाइड 3,25,671/244 से इसको डिवाइड करना, तो 4 की 1 देखिए, यहाँ 4 से पहले इन सब डिजिट्स को 2,986 को इंटू करना, तो 11,944 आ रही, इसके बाद 0 से अगर इंटू की जाए सब डिजिट्स ऊपर की नेक्स्ट लाइन में, तो सब जीरो जीरोज आ जाएंगे, यहाँ एक डिजिट तो छूट देना ना, इसके बाद सब जीरो से किसी भी डिजिट को इंटू की जाए तो जीरो होगी, तो सब डिजिट की जगह जीरो है, तो इसलिए इसको कीप किया, तो तीन नंबर डिजिट जो है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना, तो देखिए जीरो की जो लाइन होगी इसमें तो एक डिजिट नीचे छोड़ देना, छोड़ दिया, बाद में तीन नंबर लाइन जो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर भी और एक डिजिट, यानी कि आप दो डिजिट तीन नंबर लाइन में छोड़ देना, तो एक साथ मैंने दो डिजिट छोड़ दिया और जीरो सबके साथ ऐड किया जाए तो वही डिजिट तो होगी ना, तो डायरेक्ट 7 से इन सब डिजिट्स को इंटू किया, तो 20902 है, ठीक है। अब ऐड करना, 4+0 4 है, 4+0 4 है, 9+2 11 1 करी ओवर 1, 1+1 2 है, 9+1 10 0 करी ओवर 1 है, 0+1 1 है, 2+2 है, तो ये है आंसर, ठीक है। 21,02,144। नेक्स्ट देखिए, 244 से 3,25,671 को डिवाइड देना, तो डिवाइड देने से देखिए 1,334 क्वेश्चन है और यहाँ रिमाइंडर लास्ट में 175 एक्स्ट्रा बच रही है, अच्छा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है ये नंबर 244 से, तो ये रिमाइंडर है ना, देखिए रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छुटा होते हैं, तो ऐसी हालत में रिमाइंडर आ जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं प्रोसेस, अगर डेसिमल नंबर की बात ना आए, डेसिमल नंबर की बात आ जाए तो यहाँ डेसिमल पॉइंट से एक जीरो देना और फिर प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो रिमाइंडर 175 क्वेश्चन 13-34। नेक्स्ट ऑफ फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एच सी एफ ऑफ 45, 65 एंड 75, तो 45, 65 और 75 की एच सी एफ फाइंड आउट करना, बहुत ईजी है भाई, फाइव का है देखिए, एच सी एफ ऑफ 45, 65 एंड 75 इज 5, कैसे देखिए, एक ही साथ डिविजन मेथड से करना, तो 45, 65 और 75 सबको एक साथ कॉमन किसी फैक्टर से डिवाइड देना, तो यहाँ पहले बार 5 से कॉमनली सबको डिवाइड दे सकते हैं आप, 5 9 45, 5 13 65, 5 15 75,
आप देखिए 9, 13 और 15 को सेम नंबर से यहाँ एक साथ डिवाइड नहीं दे सकते, तो इसलिए सेम नंबर से हमने एक ही साथ तीनों नंबर्स को डिवाइड दिया और वो 5 है, तो इसलिए वो 5 ही अकेला इन सब नंबर्स की HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट 5 की विधि के फाइंड द एलसीएम ऑफ 2472 एंड 90, तो 2472 और 90 की एलसीएम निकालना। तो भाई एलसीएम के केस में भी ऐसी डिवीजन मेथड अप्लाई करना, तो 24, 12 और 90 सबको एक साथ ऐसे ही फैक्टराइज करना, इसको लॉन्ग डिवीजन कहते हैं, ठीक है, या फिर डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए पहले 2 से कॉमनली सबको हम डिवाइड दे रहे हैं, इसके बाद देखिए 2 से इन दोनों को, लेकिन 45 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जो नंबर डिविजिबल नहीं है वो वैसे ही रह जाएगी जैसा ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 से फिर से इन दोनों को, तो 2 3 6 2 9 18, आप देखिए 3 से इन सब नंबर्स को डिवाइड देंगे, 3 1 3 3 9 3 15 45। अच्छा, ये तो 1 में आ गया ना, अब फिर से इन दोनों को 3 से 3 1 3 3 5 15, तो देखिए यहाँ सब नंबर्स की फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में तोड़ गए, ठीक है। तो आप ये जो 2 2 2 3 3 और 5 है, इन सब की प्रोडक्ट है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 24, 12 एंड 90 है, 2 × 2 × 2 3 × 2 है, 3 × 3 3 2 × 5 5 एक बार, तो 360 आ रही है सब को इंटू करने से, तो इन तीनों नंबर्स की एलसीएम 360 है। नेक्स्ट आप 6 नंबर क्वेश्चन देखें, सॉल्व 3 × 5/6 + 2 × 2/3 − 3 × 1/9, बहुत इसी है। नेक्स्ट बी नंबर मल्टीप्लाई गिव द आंसर इन द लोएस्ट टर्म, तो लोएस्ट टर्म में इसको मल्टीप्लाई करना, तो बहुत इजी है, दोनों को हमने करके रखा, तो 3 × 5/6 + 2 × 2/3 − 3 × 1/9, तो मिक्स फ्रैक्शन है पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो नीचे 6 है, 3 6 = 18 + 5 = 23 प्लस नीचे इसके 3 है, तो 2 3 6 + 2 8 8/3 माइनस है यहाँ, नीचे 9 है, तो 3 9 27 + 1 28 है। आप देखिए 6 3 और 9 की एलसीएम 18 है, तो 18 में 6 3 टाइम्स है, तो 3 23 3 23 69 प्लस है, 18 में 3 6 टाइम है, तो 6 8 48 माइनस है 9 18 में 2 टाइम्स है, तो 2 28 56 69 + 46 − 56 61 है, 69 और 48 ऐड करना और बाद में 56 माइनस करना, तो 61 आएगा, 61 को 18 से डिवाइड देना, तो 3 × 7/18 आएगा, ठीक है। बी नंबर देखिए 4 × 4/5, तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो नीचे 5 है, 4 5 = 20 + 4 = 24 × 5/6 × नीचे 4 है इसकी, 4 1 = 4 + 1 = 5 = 5/4। अब देखिए 4 6 = 24 कट जाएगी, अच्छा 5 से 5 कट जाएगी, सिर्फ 5 बच जाएगी, तो यह सिर्फ 5 है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 का है डिवाइड एंड गिव द आंसर इन द लोएस्ट टर्म, डिवाइड करना वाला लास्ट टर्म में आंसर करना रखना, तो 7 का आया है 5 × 1/4 / 1 × 3/4, तो नीचे 4 है, 4 5 = 20 + 1 = 21 डिवाइडेड बाई 4 1 = 4 + 3 = 7 7/4 है। तो आप देखिए 21/4 जैसा वैसा डिवाइड की जगह इनटू देना और 7/4 की रेसिपिकल 4/7 लिखना, 4 से 4 कट जाएगी, 7 3 = 21 तो सिर्फ 3 है आंसर, ठीक है। अब 7 की बी देखिए, ए क्लॉथ 9 × 3/5 मीटर लॉन्ग इज कट इंटू 12 इक्वल पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस इन सेंटीमीटर, तो देखिए 9 × 3/5 ये मीटर में है, इतने मीटर लंबा कपड़ा है, एक पीस है कपड़ा की, तो इस पीस से 12 इक्वल पार्ट्स बनाना, 12 टुकड़े में काट देना, इक्वली होना चाहिए और सेंटीमीटर में काटना, तो हर एक टुकड़ा की लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो इसको पहले 12 से डिवाइड देना, तो जो रिजल्ट आएगी ये मीटर में आएगी, तो फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना 100 से इंटू करके। तो 7 की बी देखिए 9 × 3/5 / 12 है, तो 5 9 = 45 + 3 = 48/5 है, डिवाइडेड बाई 1/12 है, अच्छा 12 की रेसिप्रोकल 1/12 है क्योंकि 12 के नीचे 1 है एज ए डिनोमिनेटर, तो डिवाइड की जगह इंटू है, तो 48/5 × 1/12, तो 12 4 = 48, ठीक है, तो ऊपर 4 है तो 4/5 है, ये 4/5 मीटर है, तो नाउ 4/5 मीटर इज इक्वल टू, हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होते हैं, तो 4/5 मीटर से 4/5 × 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन मीटर से सेंटीमीटर में यानी कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ आ रहे तो इंटू करना, लेकिन किस से, तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच 100 गुना की फासला होते हैं, 100 गुना की डिफरेंस होते हैं, तो ये जो 100 है 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 4/5 × 100, तो 5 20 = 100, 4 20 = 80 है, आप सेंटीमीटर में आ गए, तो
तो यहाँ जो 12 पीसेस होते हैं ना, इनके हर एक पीसेस पीस की लेंथ 80 सेंटीमीटर करके है, तो लेंथ ऑफ ईच पीस इज 80 सेंटीमीटर बस। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 32.103, 32.123, 32.129, 23.89। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटी से बड़े की तरफ अरेंज करना, तो 8 का आया देखिए असेंडिंग ऑर्डर, पहला 23.89 सबसे छोटा है, इसके बाद 32.09 इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा 32.103, इससे बड़ा है 32.123, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट 8 का बी देखिए, रामू हैड रुपीज 100, he spent rupees 34.50 in buying a book and 20 and rupees 23.75 in buying a cup of coffee, how much money is left with Ramu? तो रामू के पास 100 रुपए थे। अच्छा, इन्होंने किताब खरीदने में 34.50 34.50 रुपये खर्च करता है, और एक कप कॉफ़ी के लिए 23.75 रुपये खर्च करता है। अब इनके पास कितने रुपए बाकी हैं, तो 100 से इन दोनों को माइनस करना, क्योंकि ये दोनों अमाउंट तो खर्च हुआ ना, तो जो खर्च हुआ वो तो कट जाएगी ना, माइनस हो जाएगी, और 100 से इन दोनों को माइनस करना, या फिर 100 से इन दोनों के शाम को माइनस करना, क्योंकि ये दोनों खर्चा है। ऐसे ही लिखना, मनी लेफ्ट विथ रामू इज रुपीज 100 माइनस 34.50 प्लस 23.75, तो इन दोनों ब्रैकेट में रखना, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस करके बाद में माइनस कर रहे हैं 100 से, और यह ब्रैकेट के बाहर रुपया साइन लगाना, तो इन दोनों के साम 58.25 आ रही है। अब 100 से 58.25 माइनस करना, तो रुपीज 41.75 आ रही है, यानी कि अब रामू के पास 41.75 रुपया है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1008 किलोमीटर इन 18 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन 5 आवर्स। तो यूनिटरी मेथड में भी जा सकते हैं और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, एक बस 18 घंटे में 1008 किलोमीटर सफ़र कर सकता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी वो सफ़र करेगा वो बस। तो देखिए पहले फॉर्मूला लगा के भाई स्पीड निकाल लेना, स्पीड मतलब क्या है, एक घंटे की जो डिस्टेंस है इसको स्पीड कहते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस 1008 किलोमीटर, टाइम 18 आवर्स, तो देयर स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड पहले निकालना, डिस्टेंस बाय टाइम, 1008 by 18 = 56, 1008 को 18 से डिवाइड करने से 56 आएगी, तो 56 किलोमीटर पर आवर स्लैश एच ना, तो एच मतलब आवर, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा वो रफ्तार है इस बस की, तो देयर फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 आवर्स। अब 5 आवर्स में डिस्टेंस कितनी सफर तय करेगा, तो 56 किलोमीटर एक घंटे में, तो 5 घंटे में कितने, तो 5 से 56 को इंटू करना, तो 280 किलोमीटर, तो 5 घंटे में वो बस 280 किलोमीटर सफर कर पाएगा। नेक्स्ट 9 के बी देखिए, नेक्स्ट 9 के बी नंबर देखिए भाई, ए स्विट्स फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 30,000 स्वीट्स एवरी डे, दे आर पैक्ड इन बॉक्सेस विद 24 स्वीट्स इन ईच बॉक्स, द लेफ्ट ओवर स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड एवरी डे, हाउ मेनी स्वीट्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डे। तो किसी एक फैक्ट्री में रोजाना 20,000 स्वीट्स मिठाई बनती है, अच्छा, और इन सब मिठाई बॉक्सेस में भरी जाती है, और हर बॉक्स में 24 मिठाई होते हैं, स्वीट्स होते हैं, और बाकी जितने सारे मिठाई एक्स्ट्रा बच जाते हैं, इन सब वर्कर्स को खिलाए जाते हैं, मतलब मजदूरों में बांट दी जाती है। तो आप रोजाना, ये तो डेली की बात है ना, हर दिन की बात है, तो रोजाना ऐसी कितनी बॉक्स स्वीट्स बनती हैं, कितनी बॉक्सेस, क्योंकि हर बॉक्स में 24 स्वीट्स होते हैं, और वैसे ही रोजाना कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वर्कर्स में, तो मतलब 20,000 को 24 से डिवाइड दे देना, तो जो रिजल्ट आएगा ना, तो उतनी ही बॉक्सेस लगती हैं, मतलब रिक्वायर्ड बॉक्सेस है कुशन, इन दोनों के कुशन, और जो रिमाइंडर आएगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वर्कर्स में। तो देखिए 24 से 1000 को डिवाइड दी जाए तो 41 आएगा, और बाद में रिमाइंडर 16 आ जाएगी, तो ये जो 41 है ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, और ये जो 16 है ये नंबर ऑफ स्विच दैट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर्स, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड इज 24 एंड नंबर ऑफ स्विट्स दैट डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डे इज 16 है, इजी। अब नेक्स्ट 10 नंबर की ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 and 5/6 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसकी वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक
करेक्टली लिखना। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए ना तो 6 से डिवाइड देना, तो 2 6 12 + 5 17 को 6 से डिवाइड देना, 2 प्लेसेस तक करेक्ट करना। तो देखिए 17/6 6 से 2 प्लेसेस तक करेक्ट किया जाए तो 2.83 आएगा। देखिए 6 से 17 को डिवाइड किया जाए तो 2.833। देखिए 2 नंबर प्लेस में यानी कि 2 नंबर डेसिमल में करेक्ट करना, तो 3 नंबर डेसिमल तक जाना है, तो 2 नंबर डेसिमल से आप सिर्फ 333 आ रही है ना, तो 3 नंबर तक रुक जाना। अच्छा आप देखिए 2 नंबर डिजिट पे करेक्ट करना, तो 3 नंबर डिजिट 3 है वो 4 से छुटा है, तो कुछ नहीं करना, 2 नंबर डिजिट जिस पे रुकना करेक्ट करना वो जैसा है वैसा रह जाएगी, और 3 नंबर डिजिट जो है इसको छोड़ देना। तो 2.83 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। हाँ अगर 3 नंबर डिजिट 4 से बड़ा हो जाता, 5 से लेकर 9 तक किसी एक डिजिट हो जाता, तो 2 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखिए, ए जॉग कैन होल्ड 2 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 25 जॉग्स ऑफ वाटर कैन फिल ए वाटर टैंक, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक, गिव योर आंसर इन लीटर्स एज अ डेसिमल नंबर्स। तो किसी एक जॉग में 2 लीटर और 750 मिलीलीटर वाटर समा हो सकती है, तो ऐसे ही किसी एक टैंक भरने के लिए 25 जॉग्स वाटर चाहिए, 25 जॉग पानी लगती है। तो आप ये जो टैंक है इसकी कैपेसिटी लीटर्स की डेसिमल में लिखना, ठीक है। 2 लीटर और 750 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना, बाद में 25 से इंटू कर देना। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक इज 25 इंटू 2 लीटर 750 मिलीलीटर, तो 25 इंटू 2 लीटर 750 मिलीलीटर को अगर लीटर की डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए ना, तो यह 2 लीटर तो ठीक ही है, तो 750 ml को 1000 से डिवाइड देना, क्योंकि हमें पता है कि 1000 ml से 1 लीटर होते हैं, तो 750 को 1000 से डिवाइड किया जाए ना, तो 1000 में 3 जीरो है। देखिए 750 / 1000 में 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लेना, अब 2 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड से 2 डिजिट लेफ्ट में आके पुट होगी, तो यहाँ पे होगी, तो 0.75 है, तो 2 के साथ 0.75 ऐड किया जाए तो 2.75 होगा, अब लीटर में कन्वर्ट हो चुकी, ठीक है। तो 25 से इंटू करना, तो 68.75 है, तो 68.75 लीटर है इस टैंक की कैपेसिटी। तो भाई ये टेस्ट पेपर भी समाप्त हो गया, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।